उत्तर प्रदेश में इस समय सुल्तानपुर डकैती कांड की चर्चा खूब हो रही है। साथ ही मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से मानो यूपी पुलिस का नाम हर किसी की जुबान पर है। लेकिन एनकाउंटर में ढेर होने वाला और एनकाउंटर में ढेर करने वाले से ज्यादा चर्चा हो रही है तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पत्नी ऋतु शाही की। अब चर्चा क्यों है उसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डीके शाही कौन है। उसके बाद ये समझेंगे कि आखिरकार उनकी पत्नी ऋतु शाही क्यों है और आखिरकार इनकी इतनी चर्चा इस एनकाउंटर के बीच क्यों हो रही है। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डीके शाही का पूरा नाम धर्मेश कुमार शाही है। वो देवरिया के नौतन गांव के रहने वाले हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। मंगेश यादव एनकाउंटर में भी डीके शाही का नाम सामने आया था क्योंकि वो पुलिस टीम को लीड कर रहे थे। डीके शाही तब से ही चर्चा में बने हुए हैं लेकिन साथ ही उनकी पत्नी भी अब खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में 25 सदस्यों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में ऋतु शाही का नाम भी था। देवरिया के नौतन गांव की रहने वाली ऋतु शाही एसटीएफ में सीईओ डीके शाही की पत्नी है। वो भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर इकाई में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। लंबे समय से पार्टी के लिए उनके सेवा भाव को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अब सरकार की जिम्मेदारी दे डाली। चर्चा में आने का विषय यही है कि 9 साल से बीजेपी की सक्रिय सदस्य रही ऋतु शाही को पिछले ही दिनों महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है जिसके बाद से ही वो काफी चर्चा में है। ऋतु शाही ने एमए की पढ़ाई इकोनॉमिक्स विषय से पूरी की और इसके बाद उन्होंने एमबीए डिग्री हासिल की। वो जूडो की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। यही नहीं, ऋतु शाही के 3 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटे और 1 बिटिया है। उनकी बेटी सबसे बड़ी है और दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रही है। वहीं दोनों बेटे नैनीताल में अभी स्कूल शिक्षा हासिल कर रहे हैं। साल 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुल्तानपुर में पिछले दिनों ही मंगेश एनकाउंटर कांड हुआ है जिसके बाद से सियासत भी तेज हो गई। मंगेश का एनकाउंटर करने वाली टीम को एसटीएफ के डिप्टी सीएम डीके शाही लीड कर रहे थे। उनके नाम अब तक 50 से ज्यादा एनकाउंटर का रिकॉर्ड दर्ज है और अब जब उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सुल्तानपुर लूटकांड हुआ उसमें भी डीके शाही का नाम निकल कर सामने आया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।